नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे माथुर जी सोल्यूशन स्टेशन में। दोस्तों आज हम आपको जियो फोन एक्टिव करके दिखाएंगे। दोस्तों इसके लिए ये देखिए, ये रहा जियो फोन, इसे मैं एक्टिव करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको टिप्स बाई टिप्स बताने वाला हूं एकदम। ठीक है दोस्तों, ये है कस्टमर, इन्हें ये फ़ोन खोलने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, पूरा ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आप एक बार में सीख जाएंगे जियो फोन एक्टिव कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, ले चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो पड़ती है आपको जियो फोन की ज़रूरत, ये जियो फोन आपको आईडी लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है। ये जियो फोन ओपन करने के बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद जियो डिजिटल KYC पर क्लिक करना है। KYC पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है जियो फोन। ठीक है, जियो फोन सेलेक्ट करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे ये आ रहा है नो। ठीक है, नो कर देना। नो करने के बाद आपको आधार कार्ड स्कैन कर लेना है। ठीक है, ये किए मैं कस्टमर का आधार कार्ड बारकोड स्कैन कर लिया है। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपको आधार कार्ड का प्रिंट, ये देखिए प्रिंट पिक ले लेना है यहाँ पे। ओके, प्रिंट पिक लेने के बाद आपको इसे यूज दिस फोटो पर क्लिक करना है। यूज दिस फोटो पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से आ जाएगा, सक्सेस हो गया। यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको बैक फोटो ले लेना है। ठीक है, और जियो फोन खोलते समय, जियो सिम को एक्टिव करते समय कस्टमर की एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से फिर यूज दिस फोटो पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको फिर से ये कट कर देना है। यहाँ से कट किया, फिर नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये नीचे आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूरा, ये देखिए यहाँ पर आ गया कस्टमर कैप्चर कस्टमर फोटो। तो यहाँ से फोटो कैप्चर कर लेना है। देखिए कस्टमर का फोटो कैप्चर हो चुका है। अब आपको इस घोड़ा के निशान पर ये देखिए क्लिक करके हटा देना है। हटाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पर आएगा कैप्चर एजेंट फोटो, तो अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। कस्टमर का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, मगर जो उससे बेच रहा है या फोन बेच रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, एजेंट के पास बैकग्राउंड। ये दोस्तों एजेंट फोटो कैप्चर होने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने क्लिक करना है घोड़ा के निशान पर और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए पूरा डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। ये देखिए पूरा डिटेल फिल कर लेना है। ठीक है, पूरा डिटेल फिल करने के बाद वीडियो पूरा देखते रहिए दोस्तों, आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल फिल कर लेना है। यहाँ पर कस्टमर का अल्टरनेट नंबर और यहाँ पर आप सेल्फ में खरीदना चाहते हैं या नॉन पर्सनल को देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर प्रीपेड चूज करना है। ठीक है, प्रीपेड चूज करने के बाद यहाँ पर आपको रिचार्ज चुन लेना है। ठीक है, यहाँ पर रिचार्ज चुनेंगे, देखिए 99 प्लस, ये देखिए यहाँ से चुनेंगे 99 प्लस RS 10 TP। ठीक है, GP MRP। ठीक है, ये GP MRP ये चुनने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन का बारकोड स्कैन करना है। ठीक है, ये फ़ोन के बॉक्स पे होगा बारकोड, ये स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे ये इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐड कर लेना है बंद। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट करेंगे आप तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर डिटेल वेरीफाइड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए, अब यहाँ पर आपको
एजेंट ओटीपी और अल्टरनेट ओटीपी डाल देना है। ये देखिए वेट करते हैं, आने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद ये लिखा है आई हैव रेड द कस्टमर कंसेंट, ये सही का निशान है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। दोनों तरफ करने के बाद ये देखिए बॉक्स पर होता है ICCID नंबर, ठीक है। इसमें पीछे का एक अंक छोड़कर 5 अंक डाल देना है। डालने के बाद आपको वैलिड ओटीपी पर क्लिक करना है, ठीक है। वैलिड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, सक्सेस हो चुका है, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये आपको अपने फ़ोन के बैक, जो आप बैक करते हैं फ़ोन का बटन, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इस तरह से प्लीज वेट अपलोडिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये नीचे है चेकआउट, ठीक है। चेकआउट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कैश पर क्लिक करना है, ठीक है। कैश पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डन कर देना है, ये लिखा है डन, ठीक है। डन करना है। डन करने के बाद ये देखिए आपका फ़ोन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इस फ़ोन का टेली वेरिफिकेशन कर देना है, ठीक है। कंपनी को कॉल करने के बाद फ़ोन के लास्ट के आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो बताना है, और आपको डेट ऑफ बर्थ बता देना है, ठीक है। ये देखिए फ़ोन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, ऑर्डर सक्सेसफुल सबमिटेड, ठीक है। फिर आपको डन कर देना है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना है, जो कभी फ़ोन होता है इनएक्टिव हो जाता है, जैसे रिजेक्ट हो जाता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।